हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। देखिए, जो मूल प्राथमिकताएं पुलिस बल की हैं, वो तो निरंतर करीब करीब वही रही हैं। समाज में कानून व्यवस्था का बना रहना, अपराध का रोकथाम, अमन चैन, गरीब और मजलूम के दुख दर्द में उसे ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमजोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल, जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज है, वो तो पुलिस बल की है ही है। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं, उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। जैसे साइबर क्राइम है, नार्को टेररिज्म है, ड्रग प्रॉब्लम है। अब मैंने अभी चार्ज लिया है, साथी अधिकारीगण से सबसे विचार विमर्श करके जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे, और जो कुछ आगे हम प्लानिंग करनी है हमें, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी दिशा देने का जो है एक हमारी भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में निर्धारण करके समय समय पर इसका विश्लेषण करके इसे निर्धारित करेंगे। और जगह जगह विरोध भी हो रहा है, नेताओं का, मंत्रियों का, सीएम तक का होता है, तो किसको लेंगे सर? आपके कोई प्लानिंग है कि इसको कैसे निपटा जाए, क्या? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, आवाज उठाना, ये सबके लिए है, किंतु जो विरोध का स्वरूप है वो शांतिपूर्वक हो, कानून सम्मत हो, कानून के दायरे में रहे। पुलिस बल तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के निर्धारण, कानून के पालन में लगी रहती है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा किसान भाइयों से भी कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के करें, यही कहना चाहूँगा इस विषय पर। किसान हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हम जब ये उनसे किसी भी घटना को हम निपटते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उस समय की व्यवस्था में जो सबसे कम यूज ऑफ फोर्स हो, ताकि नुकसान इतना ही हो। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं। आपने जो बात कही है वो एक चुनौती है, मैं मानता हूं, इसीलिए मैंने कहा, किंतु इन सब का विश्लेषण करके और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो न घटें और अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल बना रहे।